आज देश की जनता, देश के किसान, देश के नौजवान देख रहे हैं कि इन लोगों के लिए देश हित नहीं, दलालों का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जब जब बिचौलियों और दलालों पर चोट की जाती है, तब तब ये तिल मिला जाते हैं, बौखला जाते हैं। आज हालत ये हो गई है कि ये लोग भारत को कमजोर करने की साजिश रच रहे लोगों का साथ देने से भी नहीं हिचकिचाते। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने का इंतजार देश वर्षों से कर रहा था या नहीं? ये फैसला हमने लिया, एनडीए की सरकार ने लिया, लेकिन आज ये लोग इस फैसले को पलटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे। और इनका दुस्साहस देखिए, इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। जो बिहार अपने बेटे बेटियों को सीमा पर देश की रखवाली के लिए भेजता है, क्या ये उसकी भावना का अपमान नहीं है? मैं जवानों और किसानों की भूमि बिहार से इन लोगों को एक बात एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूं, ये लोग जिसकी चाहे मदद ले लें, देश अपने फैसलों से पीछे नहीं हटेगा। मैंने बिहार के बहुत से लोगों के साथ करीब से काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। एक बात जो बिहार के लोगों में बहुत अच्छी होती है वो है उनकी स्पष्टता। कभी बिहार के लोग कंफ्यूजन में नहीं रहते, किसी भ्रम में नहीं रहते। मैं और एक बधाई भी देना चाहता हूं, बिहार के लोगों को ये बधाई इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि चुनाव के इतने दिन पहले ही उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश सुना दिया। जितने सर्वे हो रहे हैं, जितनी रिपोर्ट आ रही है, सब में यही आ रहा है, बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनने जा रही है। लेकिन मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। कभी किसी नई शक्ति के उभरने की बातें फैलाई जाती हैं, लेकिन इसका मतदान पर कोई असर नहीं पड़ता। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे।